श्री राम मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ एक तीसरा आरोपी जो है वो फरार चल रहा है। लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। तो वहीं आपको बताएं कि भारतीय किसान मंच के नेता देवेंद्र तिवारी को दरअसल एक ईमेल आया था जिसमें श्रीराम मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब इस मामले में एसटीएफ ने खुलासा किया है कि देवेंद्र तिवारी ने खुद अपने स्टाफ से ही ईमेल के जरिए धमकी दिलवाया था ताकि उन्हें सुरक्षा मिल पाए, ताकि वो बड़ा नेता बन पाए। इसी वजह से सुरक्षा लेने के लिए उन्होंने इस तरीके का ईमेल अपने ही स्टाफ से करवाया था और उसके बाद उन्होंने जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया उसके बाद यूपी एटीएस और एसटीएफ लगातार इस मामले में छानबीन करने लगी और छानबीन करने के बाद देवेंद्र तिवारी के खुद के स्टाफ 2 स्टाफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल देवेंद्र तिवारी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं, जिस तरीके से यूपी एटीएस महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छापेमारी की है और तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है। उसके बाद से हर जगह अलर्ट है लगातार। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो तैदी से यहाँ पर तैनात है। फिलहाल श्रीराम मंदिर और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश को बम से उड़ाने के धमकी देने के मामले में पुलिस ने यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीसरा आरोपी जो है अभी भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ लगातार रेड कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ।